हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 28 मार्च और कल है होली। और आज मैं बना रही हूँ क्या कर रहे हो तो मैं बना रही हूँ गुजिया और कुछ मट्ठी नमक पारे। तो मैंने कहा चलो आज जरा मैं वीडियो भी शूट कर ली। तो नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया है और आज तो मेरे पतिदेव की भी छुट्टी है, थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। भारती भी है घर पे, पतिदेव भी है, मम्मी भी है, मैं भी हूँ, तो चारों माँ बाप मिलके थोड़ा बहुत। इस बार हमारी होली है तो हमने कहा चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो गुजिया बना रहे हैं, आज ही मुझे टाइम मिला ये बनाने का। उससे पहले तो हम बहुत भगदड़ है क्योंकि हमारा घर पे बन रहा है, तो हम इधर से उधर उधर से इधर भाग ही जाते हैं। तो पहले मैं गुजिया के लिए आटा गूंद रही हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस। ये देखो पतिदेव सूट कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, हद्दी हो गई। इसको अच्छे से ऐसे घी में ऐसे करके गूंद, पहले घी को ही अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स कर देना। वैसे तो सबको ही आता होगा यार गुजिया बनाना, पर मैं भी कौन सा ऐसे, मैंने भी ऑनलाइन ही सीखा है nishamadhulika.com और मैं इसको गूंद के कम से कम साइड में हो रहा था 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। हाँ अभी आधा घंटा, और तब तक हम लोग जरा मार्केट से और भी सामान लेके आ जाते हैं ना। इन्होंने कैमरे का मुंह उस तरफ रखा था जिसकी वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं इधर देखूं क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरफ करती हूँ तो मैं टेढ़ी हो रही हूँ। इस तरफ कर दो, जरा इस कैमरे को सही से सेट करती हूँ। ये मैंने गुजिया गुजिया का आटा, अब इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखते हैं। तब तक मैं मट्ठी का आटा लगा के रख देती हूँ। तो दोनों को सेट करके उसके बाद हमने मार्केट जाना है। मार्केट से थोड़ा परसों काजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट्स नहीं लाए थे डालने के लिए, तो वो भी डालने हैं। तो अब मैंने दोनों आटे गूंद लिए हैं। वहां पे वीडियो कॉल आ रखी दीदी लोगों की, वो लोग बात कर रहे हैं। भारती यहाँ पढ़ाई कर रही है और मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट काजू किशमिश बादाम लाने के लिए। मैंने अपने पतिदेव का जैकेट पहना हुआ है सुबह भागने के लिए ताकि पसीना ज्यादा हो, है ना। पसीना नहीं होगा तो फायदा क्या है। तो तब से मैंने ये उतारी नहीं, अब पहले मैं नहा लेती हूँ उसके बाद जाऊंगी मैं मार्केट। चलो तो मैं रेडी हो गई, अब मैं जा रही हूँ मार्केट। जैसे उधर करती हूँ वैसे मुंह उधर को कर देती है। चलो चले पर्स लाओ एंड आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, आप सभी को आपके परिवार को विश यू अ वेरी हैप्पी होली, है ना। सेफ कलर यूज करें, नेचुरल वाले, केमिकल वाले नहीं। कलर ही नहीं लाए हम कल, और संडे को देहरादून पूरा बंद रहता है, लॉकडाउन, तो वो भी दिक्कत है। चलो देखते हैं एक आध कुछ खुला हो तो। खुला तो नहीं होगा, पता राशन की दुकानें तो खुली रहती हैं, वहाँ पे क्या पता किसी ने रखा हो। तो देख के आते हैं, मैं और मेरे पति देव जा रहे हैं। चलो अब हम मार्केट चले हैं। तो संडे को परसों मार्केट खुलना था क्योंकि अगले दिन होली थी, तो उससे पहले दिन मार्केट खुला था, वरना संडे को देहरादून में मार्केट बंद रहता है। पर चलो अच्छा हुआ खुला था, आधा सामान हमारा रह गया था तो हम वो भी ले आए। तो हम इजी डे में गए थे वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए, और उसके बाद हम जल्दी जल्दी से घर चले गए, थोड़ा सा सामान लिया और फिर घर। तो आधा सामान लेके आ गए, आधा सामान लेने फिर से जा रहे हैं। मतलब अभी सब्जी नहीं लाया, कल तो मार्केट बंद रहेगा तो सब्जी अभी लेके आएंगे क्योंकि शाम को जाने का भी हम गुजिया बनाने शुरू कर रहे हैं। कल मेरी इस घर में पहली होली है। हाँ पिछले साल नहीं थी, मतलब
वैसे तो होली थी बट वैसे हमारे फैमिली में यहाँ होली नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे ताई जी की डेथ हुई थी तो होली नहीं थी। अब अभी इस हिसाब से तो मेरी पहली होली हुई ना यहाँ पे जो मैं मनाऊंगी सेलिब्रेट करूंगी। तो बस कल तो भारती की खैर नहीं, भारती और मेरे पति देव की, कल तो ऐसे बनाऊंगी नहीं ने जोकर। चलो भाई चलते हैं, अभी गुजिया भी बनानी, इतनी सारी इतना सारा आटा गूंदा हुआ है मैंने। हम आ गए घर और अब मैंने खाना बना दिया, खाना ये दोनों दीदी सब्जियां। हाय, आज हम बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? हम ही तो है सबके साथ, हम ही तो बना रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या बना रहे हैं। अबे यार हम ही तो क्या बना रहे हैं? गुजिया गुजिया गुजिया। दोनों जिज्जा साले ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं। ये दोनों जिज्जा साले आपस में वो देखो एक पोछा लेके बात बोल रहे हैं। ये लोग काम तो कुछ कर नहीं रहे, काम जोर और तेरे एक पोछा लेके घूम रही है, दो यहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में। भारती का फेवरेट, भारती का फेवरेट है वो बता, वो काजू का फेवरेट है भारत। ये यहाँ पे मर्जी बना रहे हैं। मैंने हलवाई आज बुला रखे, दो मेरे घर में थे और दो ये ले आए। नहीं पूरा क्यों करना, इतने नहीं डालने, वो पागल है, थोड़े से रोस्ट करने। अब हमने खाना खा लिया, अब हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए ये हमारे पास साथ क्या बोलते हैं इनको, गुजिया मेकर, हाँ, जिनसे गुजिया की शेप दी जाती है ना। हाँ तो मसेटा सारा बना के उसके बाद हमने तो खाना वाना खा लिया जल्दी जल्दी, और अब हम बना रहे हैं गुजिया। पतिदेव बोल रहे हैं हम करने दे, बट नहीं, गुजिया बनाने में पूरा टाइम लग चला जाता है, तो अब हम बनाएंगे गुजिया। चलो भाई फोन ऐसा रख देती हूँ, गुजिया बनाती हूँ। ये भारतीय भंडारे का हाल है। इतने ड्राई फ्रूट्स है भाई, इंसान भी बोलेगा हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं या निकालेंगे ऐसे 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 बेइज्जती हो जाए बस। देखो अब उधर ही कौन लगा ना, ये देखो बन गए, ये फटा नहीं फटा किसने तो कोई सबसे लंबा रूट N44 ना, उससे ज्यादा देर किची चल रही है। क्या
पे बना रहे हैं गुजिया, बनी गुजिया तुम्हारे ऊर्जा भरती। ये लगा है इधर का जो अच्छा लगता है। और अगर ये फूट जाए तो कितना मजा आ जाए। फूट ही नहीं सकता। ओवर कॉन्फिडेंस, ओ माय गॉड। और ये भरा और ये पिचकाया ये पिचकाया भारती ने। ओहो, ओ माय गॉड, ये बच गया। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। पति तो ऐसे भर ना, खाली खोखले आया किसी में आएगा ना भारती खोखला है। देखो ये बन गई हमारी गुजिया और ये मटरी। ये अंजलि ने बनाई है क्रिस्पी। और ये गुजिया वैसे बनी तो अच्छी है। चलो मैं सारी बना देती हूँ पहले, उससे पहले मेरे से शूट नहीं होगा, मैं तभी बात करूंगी। अभी तो बस इतनी बन जाए, फटाफट सारी तल दूं एक बार, उसके बाद ये दोबारा से मैदा लेने गए हैं। थोड़ा सा वो अंदर का जो मसाला है वो बच गया है, तो हमने सोचा उसका क्या करना है, थोड़ा सा और ले आते हैं और बना देते हैं। क्या हुआ, गुजिया ख़राब नहीं होती, इन्हें पैक करके रख दो तो, है ना, इसलिए थोड़ा सा और मंगा दिया। तो अब जब तक बनाते हैं तब तक मैं ये जितना भी स्लॉट है इसे पूरा तल देती हूँ। तो अब मैं सब तलने के बाद आपसे मिलूँगी। लो जी गाइस, रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक हम 7 बजे तक तो हमारी गुजिया और नमक पारे बने हैं। नमक पारे बहुत सारे बनाए हमने और गुजिया इधर उधर भी देनी होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा बनी, तो 7 बजे तक वो बनी। उसके बाद डिनर बनाया, डिनर करके अब मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत थक गई सुबह से। तो बस अब मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैप्पी होली।